जहाँ तक 2025 के लिए आपने कहा विधानसभा चुनाव को लेकर के, मुझे लगता है कि एक सिग्नल इस लोकसभा ने भी दिया है और 177 विधानसभा में हम लोग लीड किए आउट ऑफ 243। और मुझे लगता है कि जो आगे का आने वाला विधानसभा है वो लार्जली काम के बल पर ही, ये तो हो गया यहाँ पर लार्जली, कुछ तो कास्ट फैक्टर प्ले करता है बिहार में, लेकिन लार्जली आपको काम के बल पर वोट मिलता है। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब आप लोगों को भी चेक करना चाहिए, वो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्शन, और महिलाओं को इंडिपेंडेंट होकर वोट देना। हो सकता है उनके घर में मेल मेंबर कहीं और वोट कर रहा, लेकिन वो और जाके कहीं वोट करती है। हम लोगों के एरिया में, मैं मिथिला एरिया से आता हूँ, मैं देखा 10% 12% ज़्यादा महिला वोट की जा करके। तो हमको अब ये सब साइलेंट वोटर, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन चुनाव के दिन जब निकल कर के लोग वोट करती हैं, तो इन सब का लबोलुभाव यही है कि 2025 में निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीते। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ जेडीयू का, तो इस बार आपके लिए चैलेंज तो होगा कि जो लास्ट टाइम हुआ उसको कैसे रिकवर। पिछले वाले में आप भी जानते हैं कि कुछ और फैक्टर भी प्ले कर गया था, अनअवॉइडेबल था, ये सिचुएशन हो गया। इस बार ये फैक्टर नहीं है, पिछली बार वो फैक्टर नहीं होता, सच्चाई ये है, तो उस बार भी एनडीए 180-185 सीट जीतती। लेकिन कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा, कहीं न कहीं आपसी तालमेल में कन्फ्यूजन रहा, तो वो चीज़ इस लोकसभा में जिस हिसाब से एनडीए ने काम किया है, चाहे हम लोग की पार्टी हो या अन्य सहयोगी दल हो, वो बड़ा ही यूनाइटेड तरीके से काम किया है। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल एक होकर के एनडीए काम करेंगे, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। 20 में बहुत तरह का बात हो गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए 2025 में 2010 से बेहतर रिजल्ट करेगी, क्योंकि लोगों को एक बड़ा होप है कि सेंटर में भी सरकार है एनडीए की और यहाँ भी सरकार रहेगा, तो अगले 5 साल में जो बहुत सारा काम है वो बिहार में। चेहरा कौन होगा? हालांकि बीजेपी कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो क्या नीतीश जी बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? हर तरीके जिस तरीके से रूमर से उठते हैं, फ्लोट होते हैं खबर, सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या नीतीश जी 2025 में फिर से नीतीश जी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है? पूरा चुनाव कैंपेन उन्होंने किया है, अभी पूरा बिहार लोकसभा में घूम करके कैंपेन किया है, डेली वो निकलते हैं ऑलमोस्ट, फ्लड का जाके ग्राउंड पर देखना हो, कोई और रिव्यू करना है वो निकलते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और जनता का भरोसा, मैं अभी दिल्ली में था, वहाँ भी मैंने पत्रकारों को कहा कि जब भी आपको ये कहेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार का फॉल शुरू हो गया है, उसी समय वो आपको सरप्राइज देंगे बड़ा पॉलिटिक्स में। जैसे आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम वो गड़बड़ हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव ये क्लियर कट मैसेज है कि आज भी लोगों का भरोसा बिहार में नीतीश जी के ऊपर।